मुखमंजली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज के इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बात करने वाली हूँ बॉलीवुड अदाकारा भाग्यश्री के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाग्यश्री काफी सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो स्मार्ट जोड़ी में अपने पति के साथ, तो वहीं पर उनकी एक किस्सा काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हाल फिलहाल में ही स्मार्ट जोड़ी से उनके शादी का किस्सा खूब तेजी से वायरल हुआ, तो वहीं पर अब भाग्यश्री को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। दरअसल बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस भाग्यश्री इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई है। दिनों टीवी शो स्मार्ट जोड़ी में पति हिमालय दसानी के साथ नजर आ रही हैं। बीते दिनों तो उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो ने जमकर वाहवाही लूटी थी, वहीं अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो अपने ससुराल वालों के प्रति बात करती नजर आ रही है कि शादी के बाद उनके साथ उनका कैसा रवैया था। यहाँ पर फैंस ने कुछ साझा किया है जिसे सुनकर फैंस काफी हैरान हो गए। शो के होस्ट मनीष पॉल ने भाग्यश्री से पूछा कि शादी के बाद आपने घर को कैसे संभाला, तो भाग्यश्री बताती है कि जब मैं अपने ससुराल गई थी तो खाना तो आता नहीं था बनाना, बस रोटी नहीं आती थी, जिसे लेकर इनके मन में नाराजगी रहती थी कि तुम मम्मी के जैसा खाना नहीं बनाती हो। पहले तो खाना बनता था, फिर जैसे ही खाना पूरा हुआ फिर चाय चढ़ जाती थी, उसके हटते ही फिर खाने की तैयारी होने लगती थी। भाग्यश्री कहती हैं, ये देखकर मुझे लगा कि बाप रे, ये लोग कितना खाना खाते हैं। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस खास कमेंट करते दिख रहे हैं। एक फैन ने लिखा, क्या बात है मैम, फिर भी आपने निभाया। और वहीं दूसरे फैन ने कहा, अब तो मैम आप पहले से भी अच्छा खाना बनाती होंगी। भाग्यश्री अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं, तो वहीं पर अपने पति हिमालय दसानी के साथ वो स्मार्ट जोड़ी पर आग लगाती नजर आ रही हैं। तो इसी बीच उन्होंने अपने ससुराल को लेकर ये किस्सा काफी ज्यादा वायरल कर दिया। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम न्यूज़।